कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से देश की राजनीति को लेकर एक बड़ा कटाक्ष किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आज की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है, पैसा कमाने तक सीमित नहीं सीमित है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका प्रणाली धीमी है, न्यायाधीशों की भर्ती में देरी हो रही है और क्या कुछ कहा सुनिए। हमने बहुत सारी चीजों में देश में तब्दीली लानी है, वहां हमारी जुडिशियल सिस्टम मेरे ख्याल में इतना धीमा जुडिशियल सिस्टम कहीं जितना हमारे, उसमें जजेस की कमी है लेकिन जजेस वकीलों की तो कमी नहीं है। यहाँ तो 1,00,000 जज भी बन सकते हैं, इतने ही वकील हैं, पत्थर मारो तो आपको वकील मिलेगा, क्योंकि आज जो बेकारी है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बेचारे लड़कों को कुछ या लड़कियों को कुछ नहीं मिलता, चलो वकालत करो, फिर उसमें कुछ हो या नहीं हो, लेकिन अब बाहर भी विदेश में भी वकील वकालत करने जाते हैं। तो हमारे पास वकीलों को जज बनाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई कई दशकों तक जज सुप्रीम कोर्ट में खाली रहते हैं, हाई कोर्टों में खाली रहते हैं, हम भरते नहीं। और जितनी जगह हैं जजेस की खाली रहेंगे उतने देर के बाद इंसाफ, उस वक्त के जो लीडर होते थे वो बिल्कुल भिन्न होते। आज मिलावट बहुत आ गई है राजनीति में, मैं हर पब्लिक मीटिंग में कहता हूँ, कोई नई बात नहीं, बहुत कम लोग रहे हैं राजनीति में जो सेवा की भावना से आते हैं, बहुत कम। आज बहुत सारे राजनीतिक दलों में बहुत सारे राजनेता का अलग अलग लक्ष्य, किसी के पास सब कुछ है लेकिन पॉपुलरिटी के लिए आता है, तामझाम के लिए आता है, किसी के पास नहीं है तो पैसे बनाने के लिए आता है। तो हर किस्म के लोग आज राजनीति में, लेकिन उस जमाने में पैसे बनाने का कोई सवाल नहीं था, तामझाम का कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करते थे। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं शास्त्री जी से लेकर नीचे कि जिनके मरने के बाद उनके पास कोई पूंजी ही नहीं थी, मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, पूरे कपड़े भी नहीं थे, तो वो पीढ़ी खत्म हो गई। नई पीढ़ी आई और नई पीढ़ी में जहाँ कई अच्छाइयाँ आई, कई बुराइयाँ आई, जैसे समाज में बहुत सारी बीमारियाँ आई, उसी तरह से राजनीति में